हेलो एवरीवन, दिस इज विपिन हियर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एजुकेशनल हाइक्स प्लेटफॉर्म पे मैं आपको सस्ती पढ़ाता हूं, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर सेकंड है सिविक्स का, अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, जो रिमेनिंग टॉपिक्स बचे थे उन टॉपिक्स को इस पार्ट 3 में कवर करेंगे। और अगर आपने अभी पार्ट फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का देखिए, उसके बाद फिर पार्ट थर्ड पर आइए। तो जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए थे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उन्हीं रिमेनिंग टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन रिमेनिंग टॉपिक्स को जानते हैं। ठीक, अब देखते हैं। अभी देखिए, लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको क्या कहते हैं काफी कुछ बताया था अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर के वेटेज के बारे में हमने बहुत कुछ कवर किया था, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जानना बाकी था जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो पे देखते हैं। अब देखिए, ये एक स्टोरी है, यहाँ पे एक स्टोरी है, और इस स्टोरी की मदद से हम थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। ठीक, अब देखिए, ये गवर्नमेंट स्कूल है। इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर, स्टूडेंट्स वांट्स टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल। सीमापुर एक जगह थी, वहां पे आपके गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स वगैरह थे वो एक रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन वहां के टीचर ने उन्हें रिप्लाई दिया। क्या रिप्लाई दिया, आइए जानते हैं। सर, देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर। बच्चे टीचर से कहते हैं कि सर, एक बहुत ही बड़ा बिग रिलीजियस फेस्टिवल आने वाला है, मतलब एक धार्मिक त्योहार आने वाला है, और हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि स्कूल में आज के पहले ये कभी सेलिब्रेट नहीं किया गया था, तो क्या हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब देखिए टीचर क्या रिप्लाई करता है, आई एम अफ्रेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल। लिखा, मैं बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया हूं और बहुत ही ज्यादा चिंतित हूं। ठीक, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, वी कैनॉट गिव इंपॉर्टेंट टू एनी वन रिलीजन। प्राइवेट स्कूल मे डू दैट, गवर्नमेंट स्कूल डू नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रीमिसेस। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडे सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम। अब टीचर कह रहा है कि हम स्कूल में कोई भी धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकते, क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल है और हम सरकार के रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से हम किसी भी एक सिंगल रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री विच इज बेस्ड ऑन अ मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो सेकुलर मॉडल पे बेस्ड है। एज पर दिस रूल वी कैनॉट बी सेलिब्रेट अ सिंगल रिलीजन फेस्टिवल ऑन अवर स्कूल प्रीमिसेस। ठीक, इसको देखते हुए हम अपने स्कूल प्रीमिसेस में कोई भी एक सिंगल रिलीजन फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, प्राइवेट स्कूल्स की बात अलग होती है, वो लोग कोई भी फेस्टिवल जो होते हैं आपके रिलीजियस बेसिस पे उसको वो सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो छुट्टी कर दी जाती है, हॉलीडे हो जाता है, और हम उसको घर पर सेलिब्रेट करते हैं। ये टीचर जवाब देता है उन स्टूडेंट्स को। अब इसके बाद आगे की स्टोरी देखते हैं। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे गाइस, वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। एक बच्चा कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता हूँ, ये बहुत ही गलत है, हर बार कोई ना कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है तो हम लोगों को उसको स्कूल के बाहर ही सेलिब्रेट करना होता है। अब रेखा कहती है, एनी वे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन अवर लोकलिटी। छोड़ो, जाने दो इन बातों का कोई मतलब नहीं है, हम अपने लोकलिटी में ही इस पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को, इस पर्टिकुलर धार्मिक त्योहार को अपने लोकलिटी में ही हम सेलिब्रेट कर लेंगे। अब इन द अबव स्टोरी द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस इक्वली। क्या स्कूल में अगर ये रिलीजियस फेस्टिवल मना लिया जाता तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है सभी रिलीजियस को इक्वली ट्रीट करने की, क्या ये उस पॉलिसी को वायलेट करती? आगे देखते हैं। यस, ये उस पॉलिसी को वायलेट करती,
क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं ना वो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके चलते हैं, तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सेकुलर कंट्री है हमारी इंडिया, और सेकुलर कंट्री के बिहाफ पे आप गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई एक सिंगल रिलीजन फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं कर सकते। ठीक, आगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करने की, आप उसको वायलेट कर रहे हैं। आगे, गवर्नमेंट स्कूल कैनॉट प्रमोट एनी वन रिलीजियस आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। जो सरकारी स्कूल होते हैं जब वो सुबह, उन स्कूलों में जो सुबह प्रार्थना भी होती है, तो उन प्रार्थनाओं में वो किसी एक धर्म की ही, मतलब किसी एक धर्म का ही जो क्या कहते हैं आप प्रेयर होता वो नहीं करते, वो सभी रिलीजियस को इक्वली क्या कहते हैं फोकस करते हैं, इक्वली प्रमोट करते हैं। ठीक, और कभी भी किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। अगर कोई रिलीजियस फेस्टिवल क्या कहते हैं का दिन आता है तो उसको एज अ गेस्टेड हॉलीडे मान के वो लोग हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, और ये रूल जो है ये प्राइवेट स्कूल्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इन सेकेंड वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन थ्रू अ स्ट्रेटजी ऑफ non-interference. This means that in order to respect the sentiments of all religion and not interfere with religious practice, the state makes certain expectation from particular religious community. ये कह रहा है कि जो क्या कहते आपकी जो क्या कहते हैं स्टेट होती है, जो स्टेट पावर होती है वो ज्यादा नॉन क्या कहते हैं नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, नॉन इंटरफेरेंस स्ट्रेटजी को फॉलो करती है, वो जल्दी किसी भी रिलीजियस के फेस्टिवल में, किसी भी रिलीजियस के कस्टम में इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक, आगे चलते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड हु हैव रिसेंटली बॉट स्कूटर आर मीटिंग टू गो फॉर ए राइड टुगेदर। दो दोस्त थे, दोनों ने स्कूटर खरीदी, अब दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि और चलते हैं एक लंबे से राइड पर घूम कर आते हैं। अब देखिए दोनों दोस्त आपस में क्या बात करते हैं, ये स्टोरी क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है जानते हैं। Hey, I hope you have a helmet. You know the law in Delhi required that you wear one. Why are not you wearing a helmet? Do you want to be fined? एक दोस्त कहता है अपने दूसरे दोस्त से कि तुम्हारे पास जब हेलमेट है तो तुम पहनते क्यों नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ट्रांसपोर्टेशन रूल्स को लेकर, अगर तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो वो तुमसे फाइन चार्ज कर देंगे। अब दूसरा जो उसका दोस्त है वो एक सिख है, मतलब कि एक पंजाबी है, ठीक है, सरदार है। अब वो क्या कहता है, डू नॉट वरी आई विल नॉट बी फाइन, परेशान मत हो कोई फाइन वगैरह नहीं होगा। फिर उसका दोस्त कहता है हे परमजीत why you not be fined, तुमको फाइन क्यों नहीं देना होगा या तुम्हारे ऊपर फाइन क्यों नहीं चार्ज होगा। अब वो कहता है फॉर सिक्स वेयरिंग अ पगड़ी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजन, द गवर्नमेंट कैनॉट फोर्स टू मी वियर अ हेलमेट। ठीक है, मैं एक पंजाबी हूँ और एक पंजाबी जो होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, ठीक है ना, और पगड़ी पहने हुए हूँ तो हेलमेट कैसे पहन सकता हूँ, और ये मेरे रिलीजियस के कस्टम हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर बेसिस पे मुझ पर फाइन चार्ज नहीं कर सकती है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया ना कि जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, इट फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, मतलब कि जो रिलीजियस होते हैं रिलीजियस के जो खुद के कस्टम्स होते हैं उन पर्टिकुलर चीजों में वो इंटरफेयर नहीं करती है। तो ये जो स्टोरी थी ये इसी चीज को बता रही है, इट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। ओके, अब आगे, इन द अबव स्टोरी परमजीत द सिख यूथ does not have to wear a helmet. This is because the Indian state recognized the wearing of pagri is central to a Sikh religious practice and in order not to interfere with this allow an exception in the law. जैसा कि आपने देखा कि परमजीत एक पंजाबी था, वो हेलमेट नहीं पहना क्योंकि पंजाबी लोग जो होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी उनकी शान होती है। ठीक, इसके बाद परमजीत ने ये कहा कि कोई भी गवर्नमेंट मुझ पे फाइन नहीं मारेगी कि मैंने हेलमेट नहीं पहना है क्योंकि मैंने पगड़ी पहन रखी है और ये हमारे रिलीजियस कस्टम्स हैं, इन रिलीजियस कस्टम्स में गवर्नमेंट को ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि वो इंटरफेयर करे। ओके, the third way in which Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier in through strategy of intervention.
अब एक और पॉलिसी की यहाँ पे बात हो रही है, एक और स्ट्रेटजी की यहाँ पे बात हो रही है, वो स्ट्रेटजी है इंटरवेंशन की। आइए जानते हैं इंटरवेंशन की स्ट्रेटजी क्या है जो इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में हमें एक्सप्लेन करना चाह रही है। तो अब इस स्टोरी में हम अनटचेबिलिटी के बारे में जानेंगे। आपको पता है ना कि जो हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे क्या कहते हैं सब कास्ट होते हैं, जैसे जनरल कैटेगरीज, ओबीसी कैटेगरीज, एससी एसटी, तो बहुत सारे जो सब कैटेगरीज होती हैं, इन सब कैटेगरीज के बीच में भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, एक प्रकार का गैप, एक प्रकार का फ्रिक्शन क्रिएट हो गया है ड्यू टू अनटचेबिलिटी। तो अब हम अनटचेबिलिटी के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलो जानते हैं ये अनटचेबिलिटी है क्या। ठीक, द सेम रिलीजन डोमिनेट अदर मेंबर विद इन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दीज रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी। देखिए होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू वर्ना सिस्टम अवर हिंदू कास्ट इज अवर हिंदू रिलीजियस इज डिवाइडेड इन वेरियस सब कास्ट सच एज ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। आप सभी को पता है कि हम जो हिंदू धर्म होता है उसमें बहुत सारे सब कास्ट होते हैं, जैसे कि ब्राह्मीण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को क्या इंफीरियर मानकर उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं सोसाइटी में, उनको अनटचेबल अनटचेबल कह के, सो कॉल्ड कास्ट कह के उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे आर्टिकल नंबर 17 में ये डिफाइन कर दिया गया है कि अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आज के समय में भी सोसाइटी में कोई ऐसी चीजें फॉलो कर रहा है कि ऐसा है कि मैं क्या कहते हैं बड़ी जात का हूँ, तू ऐसा है ना, तू छोटी जात का है तो तू मेरे पास मत आ, मुझको छू मत, मुझसे दूर रह, ठीक है ना, तुम छोटी कास्ट के हो, तुम अछूत हो, वगैरह वगैरह, अगर आज भी सोसाइटी में कोई वैसा कुछ कह रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 17 में ये डिफाइन है कि अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ओके, तो कोई भी सोसाइटी में आज अनटचेबिलिटी जैसे चीजों को क्या कहते हैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता, या ऐसे चीजों को वो क्या कहते हैं फॉलो नहीं कर सकता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ये चीजें नहीं खत्म हुई है। आज भी आपकी बहुत सारे रूरल एरियाज में जहाँ पे अ लैक ऑफ लिटरेसी, इलिटरेट लोग पड़े हुए हैं, वो इन चीजों को आज भी करते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और जानते हैं इन चीजों के बारे में और बेहतरीन तरीके से। ठीक, इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन द रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड द सोशल प्रैक्टिस दैट इज बिलीव डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूड एंड दैट वायलेंस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ लोअर कास्ट हुआ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे स्टेट के पास ये पावर है कि वो रिलीजन पर, रिलीजन के अंदर इंटरफेयर करे और हस्तक्षेप करे और क्या कहते हैं इन चीजों को दूर करे, सोसाइटी से ऐसे इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करे। ठीक, अब देखो क्या फंडामेंटल राइट्स केवल अपर कास्ट के लिए है, लोअर कास्ट के लोगों के लिए नहीं है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जब फंडामेंटल राइट्स दिया ना, तब वो अपर कास्ट और लोअर कास्ट नहीं देख रहा था, वो फंडामेंटल राइट्स उन पर्संस को दे रहा था जो हमारे कंट्री के सिटीजन थे, वो कास्ट के बेसिस पे नहीं दे रहा था। ठीक है ना, तो कोई भी अगर लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और अगर आप अपर कास्ट के हैं उसको आप एज अ इंफीरियर ट्रीट कर रहे हैं तो ये गलत है। ये चीजें एक बैड मैसेज कन्वे करती है पूरे सोसाइटी में। तो प्लीज इन चीजों को खत्म करिए। ये अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी जैसी चीजें कुछ भी नहीं होती हैं। सभी पर्सन इक्वल हैं, सभी एक बराबर हैं, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा, ये रूल है नेचर का। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स वगैरह सबके लिए होते हैं। अनटचेबिलिटी जैसे चीजें बहुत ही खराब है हमारे सोसाइटी के लिए, इट्स लाइक अ सोशल इविल फॉर अवर सोसाइटी। दैट्स व्हाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इन अवर आर्टिकल नंबर 17 की अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल ऑफेंस। ओके, अगर कोई आज भी समाज में ऐसी चीजें कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, भावनाओं में थोड़ा ज्यादा बह गया था, अब आगे देखते हैं। ठीक, सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड द स्टेट मे हैव टू इंटरवीन इन द रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटी। देखो कह दिया ना, ऐसी चीजों में स्टेट के पास एक पावर होती है कि वो रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉ में इंटरफेयर करे और जो डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी है ना उसको दूर करे। ठीक, अब आगे चलते हैं।
The intervention of the state can also be in the form of support. ये जो intervention आपकी कर रही है government, ये जो हस्तक्षेप आपकी कर रही है government, इसका कोई ऐसा motive या ऐसा intention नहीं है कि वो आपके religious को या आपके caste के basis पे आपको कोई ठेस पहुंचाए। उसका बस इतना ही intention है कि जो आप caste के basis पर discrimination कर रहे हो ना, कि ये upper caste, ये lower caste, ये superior, ये inferior, इन चीजों को ना करिए, इस प्रकार के discrimination ना करिए, बस इसी के लिए स्टेट के पास ये पावर है कि ये उन चीजों में इंटरफेयर करके उन चीजों को खत्म कर सके। ठीक, अब आगे चलते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल एंड कॉलेजेस। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है उन पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों को जो सोसाइटी में बहुत कम है, जो माइनर है, मतलब कि जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको यह पावर दी है कि आप लोग अपने खुद के कॉलेजेस और स्कूल एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करेगी, मींस फंड वगैरह भी आपको प्रेफरेंशियल नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज से हमारा इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो कैसे डिफरेंट है, तो जानते हैं। सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव आर सिमिलर टू दोस दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेकुलरिज्म डेमोक्रेटिक कंट्री इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। देखिए ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको बता दें कि जो यूएस था, यूएस ने एक अमेंडमेंट किया, एक संशोधन किया, और उसने प्रोहिबिट कर दिया था कि जो लेजिस्लेचर है वो लॉ मेक नहीं कर सकता। सेकंड थिंग, रिस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशिंग ऑफ रिलीजन, प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। ठीक, जो क्या कहते हैं, फ्रीली तरीके से आप क्या कहते हैं अपने रिलीजियस को क्या कहते हैं एक्सरसाइज कर रहे थे, फ्रीली तरीके से जो आप अपने रिलीजियस को प्रमोट कर रहे थे, उन चीजों पर भी उसने प्रोहिबिशन लगा दिया, कि मतलब एक उसको लिमिट में ला दिया, आप कह सकते हो लिमिट में कर दिया कि आप बहुत ज्यादा फ्री तरीके से अपने रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये राइट्स है, जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 24-25 में बताया गया है कि आपके पास ये राइट है, आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस को फॉलो कर सकते हो, उसे प्रोफेस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, एवरीथिंग बताया गया है। तो यहाँ पे एक थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला। हम आगे चलते हैं। What is meant by the word establishment? In that the religious structure cannot declare any religious as the official religious, nor can they give preference to one religion. In the US, the separation between state and religion means that neither the state nor the religion can interfere in the affairs of one another. यहाँ पे देखो कितना खतरनाक चीज ये कह रहा है कि US में क्या है कि state को इस तरीके से religion से separate कर दिया गया है कि ना तो state किसी रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर कर सकता है और ना ही कोई रिलीजियस कम्युनिटी के लोग स्टेट के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने देखा, अगर कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव द पावर टू इंटरफेयर एंड फुल्ली डिसॉल्व या डिमोलिश द गैप व्हिच इज क्रिएटेड बिटवीन दीज ऑल सब कास्ट। ओके, यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये अधिकार है नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि वो हमारे क्या कहते हैं कास्ट के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसमें इंटरफेयर करके इन चीजों को खत्म कर सकता है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में कह रहा है कि ना तो स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर कर सकता और ना ही रिलीजन स्टेट के। ठीक, देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस इन यूएस United State of America. This is because unlike the strict separation between religion and the state in America secularism and India secularism, the state can intervene in the religious affair. अभी वही बताया, कोई भागवत गीता और रामायण नहीं मैंने explain की, वही ये कह रहा है कि जैसा आपने देखा कि US में क्या है कि बहुत ज़्यादा strict separation है, कोई भी religion state के matter में interfere नहीं कर सकता और ना ही state religion के matter में interfere नहीं कर सकता। ठीक, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडियन सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग स्टेट रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर कर सकता है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि यूएस में जो सेपरेशन किया गया है स्टेट और रिलीजन का वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, और इंडिया का जो सेपरेशन हुआ है रिलीजन और स्टेट का वो उतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। यू हैव रीड
about how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practice in order to abolish intangibility. अभी हमने last slide में ही cover किया कि किस तरीके से हमारे Indian government के पास according to Constitution ये power है कि वो किसी भी religious में अगर कोई discrimination हो रहा है तो उसमें interfere करके उन चीजों को खत्म करे. जैसा कि example के तौर पर यहाँ पे बता रहा है कि जैसे Hindu religious में आपके untouchability जैसे चीजें practice होती थी तो उसको abolish करने का अधिकार हमारे Indian state के पास है, Indian गवर्नमेंट के पास है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन. आगे इन इंडियन सेकुलरिज्म थ्रो दैट स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन इट डज नॉट मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस वाइस वाइस रिलीजन. This means that any interference in religious by the state has to be based on the idea laid out in the constitution. कह रहा कि इंडियन सेकुलरिज्म के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली तरीके से रिलीजन से अलग कर दिया गया है. जैसा कि हमने यूएस में देखा, यहां पर अगर क्या कहते हैं रिलीजन के अंदर किसी प्रकार की इनइक्वालिटी या गैप या डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो रहा है तो स्टेट के पास ये पावर है, ये पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है कि वो उसमें इंटरफेयर करके उन चीजों को खत्म कर सकता है. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secularist principle. ठीक है, ये भी कह रहा है कि ये भी पावर है, क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि स्टेट जज कर सकता है कि हमारा जो सोसाइटी है वो सेकुलरिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं. ठीक, हम आगे चलते हैं. द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन. हमारा इंडियन स्टेट एक सेकुलर है, एक सेकुलर मॉडल पे बेस्ड है. इसके बाद ये क्या कहते हैं रिलीजियस डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे वेरियस वर्क करता रहता है. यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो लोग संख्या में ज़्यादा है ऐसा ना करें कि वो लोग अपने मनमानी तरीके से कम संख्या वाले लोगों को दबाने की कोशिश करें. तो इन चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए हमारा इंडियन सेकुलरिज्म बहुत अलग अलग तरीके से वर्क करता रहता है कि रिलीजियस डोमिनेशन के लोग रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना कर सके. ठीक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल. ठीक, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है कि हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड है. ठीक, तो याद रखना हमारा जो सेकुलर प्रिंसिपल है, ठीक है, वो क्या कहते हैं आपका एक प्रकार से आप कह सकते हो. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेकुलर प्रिंसिपल. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी लेता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो सेकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड है. ठीक, आगे चलते हैं. हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेंस ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी. इनडीड इट इज Preciously because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में ये चीजें नहीं होती हैं कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर लोग एक दूसरे से लड़ जाते हैं या उनके बीच में गैप फिलिंग चल रही है या किसी प्रकार का कोई वायलेशन होता है. ये वायलेशन जब भी होता है बहुत अचानक से होता है, बहुत जल्दी होता है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि इस प्रकार के वायलेशन से लड़ने के लिए उनको एक ऐसा मैकेनिज्म प्रिपेयर करना चाहिए जो इन चीजों को पूरी तरीके से दूर कर सके. ठीक, आगे The knowledge that such right exists to make us sensitive to their violence and enable us to take action when these violence take place. ठीक, हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि क्या सोसाइटी में हो रही है, क्या चीजें नहीं हो रही हैं, कोई सेंसिटिव चीजें तो नहीं हो रही हैं, किसी से कोई चीज वायलेट तो नहीं हो रहा है, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है. अगर ऐसा कुछ सोसाइटी में वायलेशन के चांसेस बन रहे हैं तो उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हमें बनाना चाहिए. तो ये था होल एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो हमने इस थर्ड पार्ट में यानी कि फाइनल पार्ट में कवर कर लिए हैं. तो स्टूडेंट्स, आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, खूब दबा के शेयर करिएगा. और भी जो टॉपिक्स हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि जल्दी ही मैं आपके इस चैनल एजुकेशन हाइक्स पे उसे कवर कर सकूँ. ठीक है, तो घर पे रहिए, बी सेफ, बी केयर. Bye.